घरों में, किचन में अक्सर गैस स्टोव का या इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। गैस की मात्रा कितनी लगेगी, उसका कितना खर्च आएगा, इंडक्शन का यूज करने में एक इंडक्शन कितने वाट लेगा और कितनी बिजली का खर्च करेगा, भोजन बनाने में गैस स्टोव बेहतर रहेगा या इंडक्शन, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर की यह रिक्वेस्ट थी कि हमें यह बताया जाए कि इंडक्शन हमारे लिए ठीक रहता है या गैस स्टोव, गैस का चूल्हा खाना बनाने के लिए अच्छा रहता है, और दोनों में से किसका खर्च ज़्यादा आने वाला है। तो इसी प्रैक्टिकल को देखने के लिए आज हम इस किचन में हैं और हमारे पास एक स्टोव वॉच है, गैस स्टोव है, सिलेंडर है, इंडक्शन है, लोड मीटर सभी कुछ लेकर हम यहाँ पर आए हैं, और पूरी वास्तविकता और कैलकुलेशन के आधार पर हम भी देखेंगे कि दोनों में से किसका खर्च कम आता है, कौन समय कम लेता है, और इनमें से किसको यूज करना एक गृहिणी के लिए आसान रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले गैस स्टोव से 2 या 3 लीटर पानी को उबालेंगे और देखेंगे कि कितना गैस लगा है। इंडक्शन पर भी उतना ही पानी उबाल कर देखेंगे, देखेंगे कि इंडक्शन कितने वाट एनर्जी का कंजप्शन करता है, और टाइम भी देखेंगे कि कितने टाइम में यह क्रिया हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। मेरे पास यह 1 लीटर की बोतल है और 3 बोतल पानी की मैं इस भिगोने में लेने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि 3 लीटर पानी क्यों, यह कार्य 1 लीटर में भी हो सकता है, बिल्कुल 1 लीटर से भी चेक किया जा सकता है, परंतु दोस्तों 1 लीटर में एक्यूरेसी नहीं आएगी। पानी जितना ज़्यादा रखेंगे प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा आती रहेगी। पूरी भरी हुई बोतल है और ऐसी ही 3 बोतल दोस्तों मैं इसमें लूँगा, और यह भी 3री बोतल पूरी भरी हुई। इस प्रकार 3 लीटर पानी हमारे पास हो जाता है, और यह वेट मीटर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, किलो में यह हमने कर लिया है, और इसको तोलकर हम इस समय देखेंगे कि कितना वजन सिलेंडर में होगा। और इस समय मीटर में यदि आप दोस्तों देख रहे हैं तो 1575 वेट हो रहा है, और रेगुलेटर को सिलेंडर से कनेक्ट कर देते हैं। और अब गैस स्टोव को चालू करेंगे और स्टोव वॉच को भी चालू करेंगे। गैस स्टोव चालू हो गया है और स्टोव वॉच भी हमने चालू कर दी है। जब तक कि यह वाटर बॉयल नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे, और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो सके। उबाल पानी में आ चुका है और गैस स्टोव को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, और उसी समय हम स्टोव वॉच को भी देखेंगे। और यहाँ गैस स्टोव को बंद कर दिया गया है और 25 मिनट मान सकते हैं। और दोस्तों रेगुलेटर को हटाकर सिलेंडर का वेट भी कर लेते हैं और देखेंगे कि कितना गैस इस 3 लीटर पानी को उबालने में हमारा खर्च हुआ है। 15.67 इस समय इस सिलेंडर का वजन हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि 3 लीटर पानी उबालने से पहले हमारे सिलेंडर का जो वेट था वह था 15 किलो 760 ग्राम, और पानी उबालने के बाद जब हमने सिलेंडर का वजन किया तो हमारा आया 15 किलो 670 ग्राम। इस प्रकार 3 लीटर पानी को उबालने में हमारी जो गैस खर्च हुई है वह 90 ग्राम गैस खर्च हुई है, और जिसका इस समय यदि हम कीमत लगाएं तो तकरीबन 70 रुपये किलो के हिसाब से यह डोमेस्टिक जो सिलेंडर आते हैं हमें पड़ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों 3 लीटर पानी को उबालने में हमारा 6 रुपये 30 पैसे का खर्चा आता है, और गैस स्टोव के द्वारा यह 3 लीटर पानी उबालने में 25 मिनट का समय लगा है।
और दोस्तों अब वही 3 लीटर पानी हम इंडक्शन पर भी उबाल कर देखेंगे कि कितना समय लगेगा और कितनी यूनिट लगेगी, कितना खर्च होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वही बर्तन है, बिल्कुल इसको हमने ठंडा कर लिया है, ये नहीं कि गर्म बर्तन है, और इसमें भी 3 लीटर पानी हम लेंगे, पूरा भरा हुआ बोतल। तीन लीटर पानी ले लिया गया है और यह हमारे पास लोड मीटर है। जैसे ही इंडक्शन चलेगा इस मीटर के द्वारा हम देखेंगे कि कितना लोड चल रहा है, समय स्टॉप वॉच से देखेंगे और इस प्रकार हम यूनिट की कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितने यूनिट बिजली खर्च हमारी इस पानी को गर्म करने में होगी। यह 1200 वाट का इंडक्शन है और इसको मैं यहाँ ऑन करूँगा और स्टॉप वॉच को भी ऑन करूँगा। इंडक्शन चला दिया है और स्टॉप वॉच भी यहाँ पर ऑन कर दी गई है। दोस्तों डिस्प्ले में यदि इस समय आप देख रहे हैं तो 990 वाट का लोड चल रहा है, क्योंकि इंडक्शन 1200 वाट का है इसलिए लोड कम है। इंडक्शन यदि 1500 वाट या 1600 वाट का होता तो हमारा लोड तकरीबन 1200 वाट चलता। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी उबलने लगा है, क्योंकि दोस्तों हमारा यह जो बर्तन है यह इंडक्शन के मतलब का नहीं था। इंडक्शन का जो बर्तन होता है उसकी तली फ्लैट होती है, चपटी होती है, और यहाँ देख रहे हैं कि यह गोल तली का बर्तन है, इसलिए इस पानी को बॉयल होने में समय ज़्यादा लग गया है। पानी पूरी तरीके से इस समय बॉयल हो चुका है और हम देख रहे हैं कि 25 मिनट का ही समय लगा है और हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और इंडक्शन को भी बंद कर देते हैं। तो इस 1200 वाट के इंडक्शन ने भी इस 3 लीटर पानी को बॉयल करने में दोस्तों 25 ही मिनट का समय लिया है। कि 970 वाट के आसपास लगातार लोड चलता रहा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि 970 वाट लोड 25 मिनट तक चला है तो कितना यूनिट इस 3 लीटर पानी को बॉयल करने में हमारी खर्च हुई है। तो इस प्रकार 3 लीटर पानी उबालने में जो यूनिट खर्च हुई है वह 970 × 25 और डिवाइड बाई 1000 × 60, और इस प्रकार यूनिट आई है 0.40। और 7 रुपये यूनिट यदि लगाया जाए तो 0.40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2.8 रुपये का खर्चा इंडक्शन पर इस 3 लीटर पानी को उबालने में आया है। गैस स्टोव से भी और इंडक्शन से भी इस पानी को उबालने में समय हमारा बराबर लगा है। समय दोस्तों कम ज़्यादा लग सकता है, गैस की फ्लेम को भी यदि तेज चलाएंगे तो समय कम लगेगा और इंडक्शन यदि हम ज़्यादा पावर का रखेंगे तो भी समय उसमें कम लग सकता है। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और दोस्तों आपका 1 सेकंड लगेगा, आप अपने अंगूठे से सब्सक्राइबर का बटन तो अवश्य दबा ही दें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।